प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एमए उत्तरार्ध हिंदी के विद्यार्थियों को महाश्वेता देवी द्वारा रचित अग्निगर्भ उपन्यास के बारे में बताऊंगी। अग्निगर्भ उपन्यास महाश्वेता देवी द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये उपन्यास बंगला भाषा में लिखा गया है और इसका अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है। लेखिका इस उपन्यास में बताना चाहती है कि नक्सलवाद आतंकवाद नहीं है, वह एक समस्या है और सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती है। तो अग्निगर्भ उपन्यास में एक मुख्य कथा है अग्निगर्भ, तीन सहायक कथाएं हैं द्रौपदी, जल और एम डब्लू बनाम लखिंद। तो मैंने पिछली बार आपको अग्निगर्भ के कथानक के बारे में बताया था जिसमें हमारा मुख्य पात्र बसाई टूटू था। इसके बाद मैंने आपको जल नामक समस्या के बारे में बताया और मैं आज द्रौपदी के बारे में बताऊंगी। द्रौपदी नारी सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। द्रौपदी संथाल जाति की है, गरीब है, अनपढ़ है और 27 वर्ष की युवती है। उसका कोई नहीं है लेकिन फिर भी अपने भाई, अपने संबंधियों के ऊपर होने वाले अत्याचारों को वो सहन नहीं कर पाती और बसाई टूडू के साथ आतंकवादी बनने के लिए विवश हो जाती है। लेकिन वह दलित और पीड़ित महिला उन दलित और पीड़ितों को न्याय दिलाना चाहती है जिन्हें जमींदारों के द्वारा त्रस्त किया जाता है, जिन्हें सरकार द्वारा भोजन और जल पीने को भी नहीं मिलता। तो ऐसी है द्रौपदी मांझी। पहले वो दुल्हन मांझी से विवाह करती है लेकिन उससे पहले वो बसाई टूडू से प्रेम करती थी, लेकिन उसका प्रेम स्वस्थ प्रेम की परिभाषा है जिसमें विकार या विलासिता का नाम मात्र को भी स्थान नहीं है। वे अपने संघर्ष के लिए उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है और बहुत दूरदर्शी भी है। एक बार जब उसे पता चलता है कि पुलिस उसका एनकाउंटर करने के लिए उसके पीछे आ रही है तो वो समझ जाती है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। पैरों की आहट, पुलिस वालों की आहट सुनते हुए वो बचने का प्रयास करती है लेकिन बच नहीं पाती और उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। और जब उसका एनकाउंटर होता है तो पुलिस, जो कि हमारे लिए रक्षक होनी चाहिए, वो उस काली कलूटी महिला के लिए भक्षक बन जाती है और उसके साथ बहुत अधिक दुर्व्यवहार करती है। पुलिस के सिपाही उसका बलात्कार करते हैं और इस बात को वो मरते दम तक सहन नहीं कर पाती और मालूम है क्या करती है, वो पुलिस वालों से बहुत उल्टा सीधा कहती है। इतनी निर्मम अवस्था में जब उसके अंग प्रत्यंग में से खून बह रहा है और वो पूरी तरह से परेशान है, तब भी वो पुलिस वाले को दुत्कारती है। यहाँ पर वह सफ़ेद पोश जो अपराधी हैं उनके ऊपर आघात करती है और मरते दम तक साहस का सामना करती है और उनको बताती है कि वो गलत हैं और किसी नारी के साथ किसी को भी ऐसा दुर्व्यवहार करने का हक नहीं है। देखिए कैसे कहती है वो। द्रौपदी और पास जाती है, कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है, हंसकर कहती है, तेरी तलाश का मानुष द्रौपदी माजिन ठीक कर लाने को कहा था, सो किस तरह ठीक किया है देखेगा नहीं। उसकी धोती कहाँ है, धोती पहन नहीं रही है सर, फाड़ डाली है। द्रौपदी का काला शरीर और समीप आता है, द्रौपदी दुर्बोध्य है। फौज के अफसर के निकट एकदम दुर्बोध्य हंसी से कांपती है, हंसने में उसके विक्षिप्त होठों से खून बहता है और वह खून हथेली से पहुँच कर द्रौपदी कलकल की आवाज़ लगाने किसी भीषण आकाश भेदी
तीखी आवाज में बोली, धोती क्या होगी धोती, नंगा कर सकता है, कपड़े क्यों पहनाएगा, तू मर्द है। चारों ओर देखकर द्रौपदी खून से सने थूक को थूकने के लिए फौजी अफसर की सफ़ेद बुशर्ट चुन लेती है और उस पर थूक कर कहती है, यहाँ कोई आदमी नहीं जो शर्म करूँ, धोती मुझे पहनने को मत देना, और क्या करेगा, ले काउंटर कर, ले काउंटर कर। द्रौपदी दोनों मर्दिस्तनों से फौज के अफसर को धक्याती रहती है और ये पहला अफसर निरस्त्र टारगेट के सामने खड़े रहने में डर रहा है, बहुत डर रहा है। तो इस तरह से जो है द्रौपदी इतनी पीड़ित अवस्था में भी, इतनी अत्याचार की शिकार होकर भी पुलिस वाले के सामने, फौजी के सामने थूक देती है और एक हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण बन जाती है नारी सशक्तिकरण का, कि किस तरह से वो अपने साहस और बल का परिचय देते हुए अंत तक हिम्मत नहीं हारती, उसे मरना मंजूर है। जो उसके साथ अनेक सिपाहियों के द्वारा किया गया, रात भर जो उसका शोषण हुआ, उसके खिलाफ वह खून से लथपथ अवस्था में भी सामना करती है और बता देती है कि उसके साथ क्या हुआ है। इस प्रकार जो है द्रौपदी हमारे समक्ष एक ऐसी नारी है जो स्वाभिमानी है, दूरदर्शी है, साहसी है, निडर है और अपना बचाव किस तरह से करती है। देखिए एक बार ऑपरेशन बाहुबली में जब पुलिस के सिपाहियों ने लाशें गिनी तो वहाँ पर 22 लाशें थी और ये और इसका पति दुल्हन माझी सांस रोककर लेटे रहे और बाद में जब लाशें गिनी गई तो 2 लाशें कम निकली और इस तरह से इन्होंने बार बार द्रौपदी, दुल्हन माझी और बसाई टूडू ने बार बार स्वयं को बचाया, हिम्मत का परिचय दिया, लेकिन अपनी संथाल जाति के लिए निरंतर लगे रहे। वो ये चाहते हैं, केवल उनकी इच्छा ये की है, ये है कि उनके साथ अत्याचार ना हो किसी तरह का, इसीलिए वे बार बार जो है इस चीज़ का विरोध करते हैं। द्रौपदी भ्रष्टाचार और सरकार के दुर्व्यवहार से सदैव पीड़ित रही। सूर्य साहू ने जब बिड्डी बाबू के साथ सांठ गांठ करके 2 बरस में घर की 4 दीवारी में 2 ट्यूबवेल लगा लिए थे और 3 कुएं खोदे थे और उसने किसी को पानी नहीं दिया था, पूरे गांव में सूखा था, लोग प्यास से व्याकुल थे, जब द्रौपदी और दुल्हन ने सूर्य साहू का मकान रात में घेर लिया था, दुल्हना ने कहा था, पहली चोट मैं करूँगा, मेरे बाप के नेबाप ने सूद बढ़ाने का धान लिया था, वह उधार चुकाने में आज भी बेगार दे रहा हूँ। तो ये जमींदारी प्रथा किस तरह की होती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मर जाते हैं लेकिन पिता का, दादा का, परदादा का ब्याज चुकाते चुकाते सारी जिंदगी लोगों की निकल जाती है लेकिन उनका ब्याज भी नहीं चुक पाता, मूल तो बेचारे कहाँ से देंगे। तो इस तरह से सामंतवादी व्यवस्था में इन निर्धन लोगों का शोषण किया जाता है, इन्हें जरूरत पड़ने पर जब भी कुछ धन दिया जाता है तो उसके बदले में इनकी ज़मीनें छीन ली जाती हैं, इन्हें बेघर कर दिया जाता है, इन्हें कृषिहीन कर दिया जाता है और फिर ये बेचारे मजदूरी करने पर या बेगार करने पर विवश हो जाते हैं। तब फिर द्रौपदी ने क्या कहा, जब दुल्हन ने कहा कि मैं इस पर वार करूँगा तो द्रौपदी ने कहा था, मेरे शरीर में को देखकर उसके मुंह में लार आती थी, उसकी आंखें मैं निकालूंगी। इतनी साहसी महिला है कि सूर्य साहू जैसे जमींदार से नहीं डर रही और ये कह रही है कि मैं उसकी आंखें मैं खुद निकालूंगी। पुलिस वालों ने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसके सबने साथ में मिलकर रात भर बलात्कार किया। सवेरा होने पर उसे सूखी घास में छोड़ दिया जाता है और उस पर कपड़ा डाल दिया जाता है। क्षत वीक्षक द्रौपदी को बहुत प्यास लगी है, संतरी उसे पानी का लोटा देता है पर वह पानी नहीं पीती और लोटा उलट देती है। तो इतनी वो महिला द्रौपदी जो है इतनी साहसी है, इतनी स्वाभिमानी है, इतनी निडर है कि वह प्यास लगने पर भी पानी नहीं पीती, उसे मरना मंजूर है पर ऐसे व्यक्ति का पानी
पीना मंजूर नहीं है जिसने उसके साथ निरंतर जाति की हो। तो इस तरह हम अनेक स्थलों पर देखते हैं कि द्रौपदी हमारे समक्ष एक ऐसी नारी बनकर उपस्थित होती है जो गरीब होकर भी निरंतर सामंतवादी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था से संघर्ष करती है और अंत तक अपने साथियों को न्याय दिलाने के लिए कार्यरत रहती है। धन्यवाद।